सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन एमिनो एसिड्स क्या होते हैं इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट फैट के अलावा प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर के हर हिस्से जैसे बाल, नाखून और खून, मांसपेशियां, इन सभी के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। पानी के बाद यह सबसे दूसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन जो है छोटे यौगिकों, स्मॉल कंपाउंड्स जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं, से बना होता है। जब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर जाता है और इसके पाचन क्रिया में जब ये टूटता है तब एमिनो एसिड्स बनते हैं। प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और हड्डियों, खून और स्किन के विकास में मदद करता है। उत्तकों की मरम्मत यानी कि टिश्यूज़ को रिपेयर करने और डेड सेल्स के स्थान पर नई सेल्स को बनाने में शरीर में सहायता देता है। थकावट दूर करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बीमारियों से लड़ने, शरीर की वृद्धि और विकास में तथा घावों और चोटों से जल्दी उबरने में प्रोटीन हेल्प करता है। हमारी प्रकृति में 100 एमिनो एसिड्स मौजूद हैं लेकिन हमारा शरीर उनमें से केवल 22 एमिनो एसिड्स का ही प्रयोग कर सकता है। मानव का शरीर इनमें से 9 आवश्यक एमिनो एसिड्स, इसेंशियल एमिनो एसिड्स को छोड़कर सभी एमिनो एसिड्स खुद बना लेता है, लेकिन 9 आवश्यक एमिनो एसिड्स हमें भोजन से प्राप्त करने होते हैं। अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप में बांटा गया है। आवश्यक अमीनो एसिड यानी इसेंशियल एमिनो एसिड्स, इन्हें जो है भोजन द्वारा ग्रहण किया जाता है। इनमें हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, थ्रियोनाइन, वेलाइन, मेथायोनिन, फेनिलालेनिन, ट्रिप्टोफेन आदि एमिनो एसिड शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स हमारा शरीर पैदा कर सकता है। इनमें एलानिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड आदि एमिनो एसिड्स शामिल हैं। वहीं तीसरी ओर कंडीशनल एमिनो एसिड्स, यह भी आवश्यक एमिनो एसिड्स नहीं है, यह बीमारी और तनाव में काम आते हैं। इनमें आर्जिनिन, सिस्टानिन, ग्लूटामिन, प्रोलिन, सिराइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और ऑर्निथिन आदि शामिल हैं। तो दोस्तों ये तो थे एमिनो एसिड्स जो 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटीन जो है वो आपने सुना होगा कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन, तो ये क्या होते हैं आइए इस पे बात करते हैं। कंप्लीट प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों वो ये होते हैं जिन प्रोटीन के स्रोतों में सभी इसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं उन्हें कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन प्रोटीन के स्रोतों में केवल कुछ आवश्यक अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके स्रोत की, यानी कि कंप्लीट प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। प्रोटीन के वे स्रोत जिन्हें जानवरों से प्राप्त किया जाता है उनमें कंप्लीट प्रोटीन यानी सभी आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जैसे मीट, अंडा, मछली, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध, दही, पनीर। इसके अलावा कंप्लीट प्रोटीन के स्रोतों के कुछ प्लांट बेस्ड फूड भी होते हैं, जैसे कि सोया प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है। वहीं कुछ अनाज भी हैं जो कंप्लीट प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। अगर बात की जाए इनकम्प्लीट प्रोटीन के स्रोतों की तो उनमें प्लांट फूड आते हैं, जैसे कि अनाज, नट्स, मटर, बीन्स, चने, बीज और फलियां, ये सब इनकम्प्लीट प्रोटीन के स्रोत हैं। अब दोस्तों एक चीज़ आती है जो आपने बहुत कम सुनी होगी, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन का मतलब ये है ये वो प्रोटीन होते हैं जिन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन्स के स्रोतों के साथ लेने से सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि
इनकम्प्लीट प्रोटीन को आप दो तीन तरह के फूड एक साथ लेंगे तो वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप बीन्स के साथ चावल खाते हैं तो आपके सारे एमिनो एसिड्स पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही अनाज और फलियां आप एक साथ खाएंगे तो उनसे भी आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। इसी तरह मक्खन और ब्रेड को एक साथ खाने से भी आपको जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है और कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सीधा सिंपल सा जवाब ये है कि एक साधारण से मनुष्य को एक दिन में, अगर वो पुरुष है तो कम से कम 55 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, और अगर वो महिला है तो कम से कम 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, आप मसल बिल्ड कर रहे हैं तो इसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। आपको 1 ग्राम पर पाउंड आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा और आप फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं तो। अब बात आती है मांसपेशियों के विकास के लिए और मरम्मत के लिए कौन से एमिनो एसिड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसके लिए तीन एमिनो एसिड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वेलाइन। ये तीनों एमिनो एसिड हमारे शरीर के मसल बिल्डिंग के लिए और मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रोटीन और एमिनो एसिड्स के बारे में जानकारी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ हेल्थ जागरण की तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।